अभी मैं आपको हिंदुजा ब्रदर्स के बारे में और थोड़ी बातें शेयर करूंगा जो इनके वेबसाइट पे नहीं लिखाई गई है। तो इनकी जो कंपनी है या इनका ग्रुप है, वो गाइडिंग प्रिंसिपल, इनके पिताजी और माताजी ने जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो दिए थे उसके बिना पे चल रहे हैं। और वो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या थे, तो सबसे पहला था कि वर्क टू गिव। वर्क टू गिव मतलब काम करो तो देने की भावना से करो, देने की भावना कभी मत रखो। दूसरा, वर्ड इज बॉन्ड, मतलब आपकी जबान है वो बॉन्ड समान है, उसपे फिर लिखा पढ़ी हो या नहीं हो, लेकिन आपकी जबान से कभी मुकरना मत। एक्ट लोकल एंड थिंक ग्लोबल, जो हमारे प्रधानमंत्री अभी दो चीज कह रहे हैं, एक्ट लोकल एंड, ये इनके पिताजी ने आज से 100 साल पहले ये प्रिंसिपल एस्टाब्लिश किया था। एंड चौथा है पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास। ये भी बात आपने अभी सुनी है, लेकिन ये 100 साल पहले इनकी कंपनी के द्वारा प्रस्तावित हुई थी। और पांचवा जो है कि एडवांस, मतलब डर बिना आगे बढ़ते रहो, डर मत रखो, डर डर के काम नहीं करो, जो काम करना है ये बिना डर के करो। और माताजी के द्वारा जो था वो था सबसे पहले ट्रस्ट, फेथ, इन फेथ वी मूव फॉरवर्ड, आप विश्वास रखोगे तो आगे बढ़ सकोगे। डिवोशन, डिवोशन मतलब क्या है कि डिवोशन इज द लव, कमिटमेंट इसको कहते हैं। फिर शेयर एंड केयर, मतलब केयर जो आपके परिचय में आए हुए इनकी केयर करो। और इसके बाद आता है फोर्ट्यूड विथ ब्रेव हार्ट, मतलब करेज के साथ काम करो। दोनों माता पिता का एक कॉमन चीज थी करेज के साथ, डरो मत। और लास्ट, स्टे काम एंड स्टे एज पर एनी सिचुएशन, मतलब दिमाग पे एकदम बर्फ रख के आप स्टे करो और ठंडे दिमाग से काम करो। ये हुई इनके गाइडिंग प्रिंसिपल की। लेकिन इसके अलावा कुछ बातें हैं मेरे जो अल्प परिचय में है, वो आपसे शेयर करना यहाँ जरूरी लगता है कि इनकी सबसे बेस है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मैं इनके परिवार के 6 लोगों से परिचय, वो 4 भाई, श्रीचंद भाई, गोपीचंद भाई, प्रकाश भाई और अशोक भाई। इसके अलावा गोपीचंद जी का बेटा धीरज और सुनीता भाभी, सबके बारे में एक कॉमन चीज है कि दे आर डाउन टू अर्थ। मतलब इतने बड़े आदमी होने के बावजूद जब भी हम लोग उनके कार्ल्टन हाउस के महल जो रानी एलिजाबेथ से उन्होंने खरीदा था उसमें हमको चाय पानी के लिए, हाई टी के लिए बुलाया था, तो आपको जान के हैरानी होगी कि गोपीचंद जी और सुनीता भाभी, ये दोनों ने अपने हाथ से परोस के, और हम लोग सब जीतों की ओर से गए थे तो जैन भोजन हमारे लिए रखा गया था। और ये फैमिली का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि हमारी जो आदि संस्कार और वैल्यूज है उसमें मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसको एडॉप्ट किया है। दूसरी एक बात, ये ग्रोथ की एक सस्पेंस अगर मैं जानना चाहता था, जब भी इनके न्यूजीलैंड हाउस के ऑफिस में गए थे तो बोला, देखो अशोक, जो मेरा है वो सबका है और सबका है वो मेरा है। मतलब ये परिवार में आज 3 पीढ़ी साथ में रह रही है, सब में यूनिटी जो है वो बेमिसाल है। और मैंने तो एक से ज्यादा टाइम इनके साथ, जब भी, क्योंकि मैं 90s में जब भी अशोक लेलैंड खरीदी, तभी कमेटी में बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन के हिसाब से गया था। और 25-27 साल पहले धीरज के शादी भी हमने रेस कोर्स में अटेंड की थी, तब से थे। और 2017 से फिर हम लोग रिजॉइन हुए, और रिजॉइन होने के बाद फिर कंटिन्यू हम लोग टच में। दो टाइम हम लंदन जाके, दो टाइम इनके वर्ली ऑफिस में, 2-3 टाइम हमको बुलाया था इनके ऑफिस में जाके आए। तो ये जो परिचय है इसमें एक ही बात है, और धार्मिक भी इतने हैं, हर एक पूरा परिवार हर साल
लक्ष्मण झूला इनके गुरु जी के आश्रम में 3 से 4 दिन जो भी सहूलियत होती है उस हिसाब से जाते हैं। विंस्टन चर्चिल का वॉर रूम जो 2014 में इन्होंने खरीदा, उसमें प्योर सेंट्रल ऑफ द सिटी लंदन की है, उसमें प्योर वेजिटेरियन होटल बना रहे हैं। और वो बताया उन्होंने कि आज के बाद जब भी आप लंदन आओगे तभी आपको हमारी होटल में ठहरना होगा। मैं बोला हम खुशी खुशी ठहरेंगे कि हम तो ढूंढते हैं, हम भी आपकी जैन लोग तो सब पूरे वेजिटेरियन होते हैं। और इसके इसके अलावा एक चीज देखने जाओ तो आज इनकी गिनती पहले 60 लोगों में, वर्ल्ड के पहले 60 रिचेस्ट में होती है। और यूके में जो अंग्रेज हमारे पे राज करते थे उस अंग्रेज के ही प्रदेश पे आज सबसे रिचेस्ट में हिंदुजा ब्रदर्स की गिनती होती है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे ये टच कॉर्पोरेट के लिए ये उससे भी बड़ी गर्व की बात है कि ऐसे स्पीकर आज तीनों भाई ट्रायो के रूप में, और ऑलवेज जो इनके पिताजी के प्रिंसिपल थे कि गिव मोर, मतलब मैंने उनको दो भाइयों को बुलाया था, उन्होंने बोला दो नहीं हम चार आते हैं, 3 भाई आए और अनूप जलोटा जी को लाए। मतलब ये मेरे जब भी बुक का लॉन्च हुआ तभी भी मैंने एक भाई को इनविटेशन दिया था मैंने लंदन में, तो बोले नहीं एक नहीं हम तीनों आएंगे। तो मतलब जो भी देना है वो बढ़कर देना है, ये प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल इतना फॉलो कर रहे हैं कि जिसका बेमिसाल ये नहीं है। गोपी जी के बारे में कुछ बातें कहूंगा कि गोपी जी अच्छे बिजनेसमैन है, ट्रांसफॉर्मेशन किया इन्होंने इंडिया एशिया कंट्री में से ग्लोबली वो तो किया है, लेकिन संगीत का भी इतना शौक है, हमने उन्होंने स्टेज पे परफॉर्म भी किया है। जो वीडियो मेरे पास उन्होंने भेजा था वो मैं देख के हैरान हो गया था। और इसके अलावा उनको 59 में इन्होंने जैन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और लंदन से इनको एक तो डॉक्टरेट ऑनरेडी डॉक्टरेट की पदवी मिली थी लॉ की, और उसके अलावा कॉमर्स रिचर्डसन कॉलेज से उन्होंने किया था। और सेम चीज अशोक हिंदुजा जी ने भी किया है। प्रकाश भाई जो है और गोपीचंद जी, वैसे क्या है कि आज हम जितने भी ऑडियंस है उसमें सबसे छोटे है। किस तरह से छोटे है कि इनके मतलब पूरे पक्के बिजनेसमैन है कि सालगिरह भी 4 साल में मनाते हैं। 29 फरवरी को इनका जन्मदिन है, तो मतलब 80 साल की उम्र में उन्होंने 20 ही बर्थडे मनाया है। तो ये थे गोपीचंद जी। उसके अलावा प्रकाश भाई पूरा यूरोप का देखते हैं, जिनेवा में हेडक्वार्टर है और वहाँ के अमस बैंक में वो एडवाइजरी कमेटी में है, और इंडो यूरोप जो इंडो स्विट्जरलैंड का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसको हेड कर रहे हैं चेयरमैन की हैसियत से। अशोक हिंदुजा जी है वो यंग एज में फैमिली बिजनेस में जुड़े थे, फैमिली बिजनेस में जुड़ने के बाद उन्होंने उनको यहाँ का डेवलप करने के लिए भेजा गया था और उन्होंने बेमिसाल तरीके से डेवलप किया है जिसकी मिसाल हम नहीं दे सकते, मतलब अकल्पनीय इन्होंने ग्रोथ किया है। उनका आज फोकस है एजुकेशन और हेल्थ केयर पे, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन और सब कुछ जो भी इनके ग्रुप के बिजनेस इंडिया में है वो सब की देखभाल वो कर रहे हैं। कुछ बातें धीरज जी अशोक लेलैंड संभाल रहे हैं, उसके अलावा सब भी बिजनेस जो है वो अशोक जी ड्राइव कर रहे हैं। और तीनों भाई चारों भाइयों में एक कॉमन चीज एक है कि एक का दोस्त वो सबका दोस्त, मतलब एक भाई से आपकी दोस्ती हो गई तो सभी भाई आपके दोस्त हैं। और कभी आपको ये लगने नहीं देते हैं कि फलाने का दोस्त है या उनका दोस्त है या इसका दोस्त है, सब एक सबका है एक दोस्त है। इनके बारे में अगर बात करने को जाऊं ना तो मेरे जो अनुभव है 3-4 साल के वो इतने लंबे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं मेरी बात को विराम लेता हूँ और फिर कभी आपसे बात करूंगा। आप आज इन तीनों भाइयों को सुनने को आए तो मैं गोपीचंद जी प्रकाश भाई और अशोक भाई ये तीनों भाइयों का इस मंच पे स्वागत करता हूँ और मैं आपसे इजाजत लूंगा।
और आशा रखता हूँ कि आपके जीवन में इनके प्रिंसिपल से, इनकी बातों से कुछ हासिल करेंगे और एडॉप्ट करेंगे तो ये कोविड में से बाहर निकलने को आपको आसान हो जाएगा और आप इस कोविड में अच्छी तरह से बाहर निकलो, ऐसी शुभेच्छा के साथ मेरी बात को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आभार, सत श्री अकाल, आभार, थैंक यू। पहले तो सबको नमस्कार भाइयों की तरफ से और हिंदुजा परिवार की तरफ से। मुझे ये पता नहीं है कि मैं अशोक जी का कैसे धन्यवाद करूं। जिस ढंग से उन्होंने हिंदुजा परिवार को एनालाइज किया और हमारे लिए बोला, मेरे तो आंसू आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्यों? कि मेरे को कभी भी अपनी तारीफ सुनने में बहुत ही कष्ट होता है, तकलीफ होता है। और मुझे ये पता नहीं था कि अशोक जी को हमारे परिवार की इतनी जानकारी है। तो पहले तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट दूंगा। तो फिर जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर फिलिप शाह, उनसे भी आज 5-7 मिनट की वर्चुअल मुलाकात हुई। बड़े ही नेक और अच्छे बंदे हैं। और धन्यवाद ऑल्सो टू मिस्टर वोरा जो फोरम के सेक्रेटरी हैं। और ये जो कच्छ फोरम है, आप लोगों को इसकी कदर जाननी चाहिए। देखिए, कच्छी लोग जो हैं वो काफी सक्सेसफुल लोग हैं। जैसे अजीम प्रेम जी है, कच्छी है, खीम जी है, उतना ही नहीं म्यूजिक में कल्याण जी, आनंद जी भी यूनिक हैं। काफी हर एक सेक्टर में कोई ना कोई तो कच्छी है ही है। उसका कारण क्या है? आप देखिए, कच्छी गुजराती से भी लिंक कर लेते हैं, सिंधी से भी लिंक कर लेते हैं, मेमन से भी कर लेते हैं, और बाकी तो सब ब्रेन्स होंगे, पर कच्छी लोग सुपर ब्रेन है। सुपर ब्रेन होने के कारण ही आज उनके पास डिस्ट्रिक्ट है, उनकी पहचान है। अब देखिए, सिंधी की जो पॉपुलेशन है ज्यादा है, बट सब जगह पखरे हुए हैं, उनको कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई स्टेट नहीं। तो पहले तो मैं कच्छ कम्युनिटी की इज्जत करता हूं और उनको कॉम्प्लीमेंट देता। अब हिंदुजा परिवार के लिए तो अशोक जी ने इतना कुछ कह दिया, मैं उसके बारे में कुछ बात करूंगा नहीं। बाकी ये जरूर है, मैं अपने जिंदगी के कुछ तजुर्बे सुनाऊंगा। पहले तो 16.5-17 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने जब मुझे जैन कॉलेज में भेजा तो एक ही चीज कहते थे कि बेटा, सुबह को जल्दी जाकर कॉलेज पहुंच, चर्च गेट पे, चर्नी रोड पे हम लोग की ऑफिस, और 11 बजे आकर ऑफिस में पहुंच। तो मेरी माँ उसको बोलती थी कि अभी ये बच्चा है, इसको घूमने फिरने और यार दोस्तों से मिलने का मौका दो। पिताजी ने कहा कि जो अब सीखने का मौका है वो कभी भी आगे चल के नहीं होगा। तो 11 बजे आकर मैं दफ्तर पहुंच जाता और मैंने जो कुछ सीखा, वेयर हाउसिंग, गोडाउनिंग, अकाउंट्स, खुद कैश बुक लिखे, खुद लेजर किया, खुद बैलेंस शीट बनाए, फिर एक्सपोर्ट डिवीजन में गया। हर एक डिवीजन में मैं उनको ट्रेनिंग दफ्तर में जो मिली वो मेरे को कहाँ भी
हार्वर्ड में भी जाता, स्टैनफोर्ड में भी जाता तो मुझे नहीं मिलती। और पिताजी का एक ही कहना था कि मेरे बेटे हो तो आप सब लोगों को जो मेरे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं उनका ख्याल रखो, कभी भी घबराओ नहीं, जो ये सारी जिंदगी है इसमें हमेशा तो सुख है ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। जब ये चैलेंजेस आते हैं तो भगवान से ये प्रार्थना नहीं करो कि हमको चैलेंजेस नहीं चाहिए, भगवान से ये प्रार्थना करो कि ये हमारे जो कंधे हैं इनको कैसे मजबूत करो और ये मुसीबतों को हम झेल सकें। तो भाइयों, मैं तो एक ही चीज आप लोगों से कहूंगा कि कभी भी मुसीबत आए आप घबराइए नहीं, फकत नियत को ठीक रखिए और ये देखिए कि दूसरे का भला कैसे कर सकते हैं। आप सब लोग सोचते होंगे कि जब इंसान पैसे वाला हो जाता है या उसके पास धन आता है तो उसके पास सुख आता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जरूरत से ज्यादा जो पैसा है वो कभी नहीं सुख दे सकता है, नहीं खुशी दे सकता है। अगर आपको मन की खुशी चाहिए और अगर आपको चाहिए कि भगवान भी, भगवान का हाथ भी हमेशा आपके ऊपर रहे, तो आपको ये देखना चाहिए कि लोगों की ब्लेसिंग्स कैसे मिलती। तो ये जो पिताजी ने कहा था वर्क टू गिव, वो किस लिए कहा? वो इसीलिए कहा कि काम करते हो बेटा पर देते रहो, अपने लिए काम नहीं करो। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि जब मुझे 18 साल की उम्र में ईरान जाना पड़ा क्योंकि बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, हम लोग 5 भाई थे, तो उस वक्त वहां नहीं अंग्रेजी चलती थी, नहीं फ्रेंच चलती थी, नहीं स्पेनिश, फकत पर्शियन लैंग्वेज होती थी और मुझे तो पर्शियन आती नहीं थी। मेरी सेकंड लैंग्वेज भी स्कूल और कॉलेज में संस्कृत। तो जब मैं उधर गया तो मैं पिताजी को फोन में बोलता था कि दादा आपने मेरे को कहाँ भेजा है, मैं तो कुछ समझ नहीं सकता हूँ इधर ऑफिस में बैठ कर भी। और बड़े भाई बैठते थे तो वो समझाते थे, पर आप नहीं मानेंगे ये एक हकीकत है, जब इंसान चेष्टा करता है 3 हफ्ते के अंदर ये सुन सुन के पर्शियन, मैं पर्शियन सीख गया और पर्शियन में बात करने लगा। आज भी मैं बहुत ही फ्लुएंट ढंग से पर्शियन बात कर सकता हूं। ये क्यों हुई? क्योंकि एक इंटेंशन अच्छी थी और मजबूरी थी, तो इंसान खुद ब खुद वो सब सीख जाता है। और लिखना पढ़ना कैसे सीखा पर्शियन में? हम लोगों का परिवार पहला परिवार था जिसने हिंदुस्तानी फिल्मों को एक्सपोर्ट पे ले गए। ये जो बॉलीवुड बना है, ये बॉलीवुड कहां से बना? उसकी जो जड़ है वो हिंदुजा परिवार है। आप अगर देखेंगे कि हम लोग ने जितनी भी टॉप नॉच फिल्में थी 1950 की, 1960, 70, 80, सब नहीं फकत ईरान पर मिडल ईस्ट, डेमस्कस, सब जगह। क्यों? एक सिद्धांत था कि हम हिंदुस्तानी कल्चर को आगे कैसे ले गए। फिर उनको सबटाइटलिंग भी करते थे, डबिंग भी करते थे, पर वो क्या काम था? वो साइड लाइन थी। जब शाम को दफ्तर बंद होता था, सब लोग घर जाते थे 6:30-7 बजे शाम को, हम लोग 7 बजे फिल्म के दफ्तर बन जाते थे, वो दफ्तर हमारा अलग। फिर रात को हम लोग स्टूडियो में जाते थे खाना खा के। तो जो हमारी जिंदगी थी वो कोई आसान जिंदगी नहीं, सारी जो जिंदगी कटी है वो मेहनत, तकलीफ,
और एक चीज थी कि जो कुछ करते थे उसमें हमें खुशी मिलती थी, क्योंकि बड़े भाई ने अपने एक डायरी में लिख के रखा था, गीता का एक श्लोक था जिसको ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, ओ प्रिंस कीप ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स। कभी भी आप लोग काम करो तो मैं आप लोगों से एक ही विनती करूंगा कि रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं करो। रिजल्ट को अगर एक्सपेक्ट करके काम करोगे तो आपका ध्यान फकत उसी में होगा। फकत आप काम इसलिए करो कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, ये मेरा धर्म है, और किस लिए कर रहा हूं, देने के लिए। आपको ये भी ताजुब होगा कि एक डेढ़ साल के अंदर इत्तफाक से बड़े भाई का देहांत हो गया, तो मैं तो नवा सीख रहा था सारा धंधा, तो सारी चीजें मेरे कंधे पे आके पड़ी और मैं अकेला था। पिताजी की एज भी बड़ी थी, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी, मेरे बड़े भाई श्रीचंद वो बंबई के दफ्तर में थे, तो हम दोनों ने मिलके पिताजी को कभी किसी चीज की ना नहीं की थी। उनको चैरिटी देने में बहुत मजा आता था, अपने जेब में रकम हो या नहीं हो, कोई भी आता था तो जो मांगता था दे देते थे। उस जमाने में डावरी होती थी सर, जिसको आप लोग दहेज कहते हो। मेरे को याद है मैं अपने मुनीम के साथ बैठा था, तो एक लेडी आई, उसको बोलने लगी कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे को 20,000 रुपये की जरूरत है, आप कैसे भी दो। मेरा मुनीम बोलता है कि आप जाकर पिताजी से कहो कि आज हमारी पेमेंट है, हमारे पास अगर ये 20,000 देंगे तो हम पेमेंट टाइम से कहाँ कर सकेंगे, 2 बजे करनी है। मैंने कहा यार मैं तो नहीं कह सकूंगा, तेरा काम है, तू जाकर बोल। बोला कि मैं जाकर कहूंगा तो पिताजी डांटेंगे। हुआ यही, जैसे ही वो लेडी आई उसने पिताजी को कहा, पिताजी ने इंस्ट्रक्शन दिया मुनीम को दे दो। वो मुनीम की हिम्मत नहीं होती थी मेरे पिताजी के सामने मुंह खोले, उसको तो दे दिए, पर बेचारा चिंता में बैठा रहा। 15 मिनट के बाद मेरे को बोलता है मैं क्या करूं, अभी 1 बजे है, 2 बजे तक मेरे को पेमेंट करनी है, हमने कभी जिंदगी में डिफॉल्ट किया नहीं है 110 साल। देखिए मालिक की दुआ। एक दूसरी लेडी आई, उसको 25,000 रुपये डिपॉजिट रखनी थी। उस जमाने में सब विश्वास पे काम चल रहा था, तो अपनी डायरी ले आई, 25,000 जमा किया, तो मेरा एक विश्वास बढ़ गया कि जब नियत ठीक होती है और मालिक के ऊपर भरोसा होता है तो सब कुछ होती है। तो एक चीज का तो आप सोचिए कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जो जवाहरात है, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा इसको मान के चलता हूं। बहुत लोगों के लिए सख्त होगा, अंग्रेजी में है, द बेस्ट ऑर्नामेंट इज ह्यूमिलिटी, द richest वेल्थ इज wisdom, द strongest वेपन इज पेशेंस। ये जो मिसाइल हैं, ये हैं वो हैं, सबको भूल जाइए, पेशेंस में रहोगे सब ठीक रहेगा। द बेस्ट सिक्योरिटी आपको चाहिए वो है विश्वास, फेथ, और द बेस्ट टॉनिक हमेशा हंसते रहो। क्यों? जिस मालिक ने हम लोगों को पास्ट में बचाया है, अच्छी तरह से रखा है, प्रेजेंट में रख रहा है, तो फ्यूचर में भी रखेगा। हमारा काम नहीं होना चाहिए कि हम चिंता करें। नो सूनर हम चिंता करने जाते हैं, शरीर बिगाड़ेंगे, दिमाग खराब होगा, तकलीफ में पड़ेंगे, तो
तो कोशिश ये करिए कि कैसे विश्वास करें और कैसे हम लोगों का फेथ और ट्रस्ट मालिक में जाए। उसूल अच्छे बनाइए, आप देखेंगे कि आपकी तरक्की कैसे होती है। पर मैं नसीब में भी मानता हूं। बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारा तो नसीब ही खराब है, हम लोगों का लक्की ऐसा है, मैं कुछ भी करता हूं फेल्यूर जाता हूं। इंसान को वो नहीं देखना चाहिए। इंसान अपना जब कर्म करता है तो नसीब भी बदली होता है। मैं सितारों में भी मानता हूं, कभी कभी जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी अपना रंग दिखाते हैं, कभी शनि आ गया, कभी गुरु आ गया, कभी बुद्ध आ गया, कभी मंगल आ गया, कभी राहु आ गया, कभी राहु आ गया, ये सब लोग अपना रंग तो दिखाएंगे। तो आप ये नहीं समझिए कि जो वर्ल्ड है, आप फकत इतना सोचिए कि अगर डार्कनेस नहीं होती, रात नहीं होती, तो सूर्य भगवान अगर सवेरे निकलते तो किसको कदर रहती। सो लाइफ जो है बहुत ही अंधेरी अंधेरा है और डेंस फॉरेस्ट है, और इसमें अगर आपको कोई नोबल सोल मिल जाता है या कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है या कोई अच्छा आदमी मिल जाता है साथ में, तो समझिए एक लैंप है जो आपको रोशनी दिखाएगा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो भाइयों और बहनों, आपको मैं एक चीज बताऊं, आप कोविड 19 की भी कोई चिंता नहीं करिए। ये जो कोविड 19 है ये खुद ब खुद चलता जाएगा, और अब आप देखेंगे कि जून महीने से लेकर ये धीरे धीरे चलता जाएगा। आप देखिए चाइना में कितने मौत हुए, ठीक होना शुरू हो गया, सब कारखाने खोल गए हैं। कैसे हुआ किसको पता है, किसको भी पता नहीं। इसी तरह रोम में, इटली में इतने लोग मर गए, अब तो टूरिज्म भी खुल गया। स्पेन में वही हुआ। तो ये सब क्या है, कुदरत दिखाना चाहती है कि इंसान, आप एक बात समझो कि ये नहीं समझो कि आपके पास पैसे आ गए या धनवान हो गए तो आप ताकत वाले हो, या कोई पॉलिटिशियन लीडर कुर्सी पे बैठता है तो जब भी कोई ताकत हो या कुछ भी आपस में बड़ी रकम आ जाए तो आप में एरोगेंसी आती है। तो आपको देखना चाहिए कि एरोगेंसी कैसे नहीं है, एरोगेंसी से कैसे दूर रहें, एंगर कैसे दूर रहें, जेलेसी कैसे दूर रहें। ये जो सारे वर्च्यूज हैं ये इंसान को नीचे करते हैं, ऊपर नहीं करते हैं। लोग थोड़ा भी कुछ बना लेते हैं, क्या दादागिरी मारते हैं, हमको देखकर हमें रोना आता है, ये दादागिरी किस लिए। इंसान को क्या मिलता है, मेरे दफ्तर में जितने मेरे लोग हैं, पियोन हुए, सेक्रेटरी हुए, ये हुए वो, मेरा दरवाजा खुला रहता है जिसको भी आने का है, और मैं सबको अपना हिंदुजा परिवार का मेंबर समझता हूँ। यहाँ भी अभी आप देखिए कोविड 19 में हमारे इधर 11 वर्टिकल्स हैं, आपने प्रेजेंटेशन में देखा, जितने भी एम्प्लॉयज हैं कुछ भी हैं, हम उनको पहले अपना मेंबर हिंदुजा परिवार का ही समझते। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखते हैं, वो तो आप भूल जाइए। जो घर में हमारे डोमेस्टिक स्टाफ भी हैं, खाना पकाने वाला होगा या असिस्टेंट होगा, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में एक बार भी किसी को नहीं डांटा है, नहीं कभी किसको दुखी किया है। कोई अगर मेरी अच्छी सेवा करता है, ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे को दुख होता है। अब मुझे ये पता नहीं ये सारी जो चीजें आई हैं इसकी कदर कौन किसकी करूंगा, पिताजी की और माताजी की, उनकी जो आशीर्वाद थी, उनके आशीर्वाद से ये सब हुआ है। और मेरे पास तो काफी एग्जाम्पल्स हैं, पिता के भी माता के भी, और माताजी तो इतनी स्पिरिचुअल थी और उसका इतना विश्वास था
कि यहां तक लोग उसको अंतर्यामी कहते थे। जब कोई बिजनेसमैन आता था हमारे फादर से बिजनेस करने, वो दूर से इशारा करते थे कि इसकी नियत ठीक नहीं है। एक बार मुझे याद है उस जमाने में घर पे गाय नहीं रख सकते थे हम लोग, पर मेरी माताजी गौ माता को, दो तीन गौ माताओं को रखती थी। सवेरे उठ के उनको नहलाना धुलाना और उनकी पूजा करना, और फिर म्युनिसिपैलिटी के लोग आते थे कि आप घर में गाय नहीं रख सकते, तो वो उनको बोलती थी तुमको जो करना है कर, मैं तो गाय रखूंगी, तुम्हारा मंदिर, ये तो हमारा मंदिर है, तुम इसको कैसे बिगाड़ सकते हो। एक दिन टेलीफोन खराब हो गया घर का, तो टॉप ऑफिसर आया था, तो फर्स्ट फ्लोर पे उस जमाने में स्टील के गोदरेज के कबर्ड होते थे, तो माँ ने कुछ 2,000 रुपये वहां रखे थे। तो जब टेलीफोन वो बना रहा था वो नीचे गए, तो जैसे ही वो ऑफिसर नीचे आया तो मेरे पिताजी को बोलने लगी कि इसकी शक्ल से मेरे को लगता है कि ये ऊपर से जो 2,000 मैंने रखे थे उठाकर इसने अपने जेब में डाले। तो मेरे पिताजी ने उसको कहा कि तुम फिजूल की बातें नहीं कर, और सबके ऊपर तुम शक करेगी तो ठीक नहीं होगा। तो माँ ने उसको बोला कि ठीक है, हम लोगों का एक डोमेस्टिक स्टाफ था गोपाल करके, उसको बोला बेटा ऊपर जाकर देख वो 2,000 उधर पड़े हैं कि नहीं। तो पिताजी ऑफिसर को कुछ नहीं बोलना चाहिए, पर माताजी ने क्या किया, उसके जेब में सीधा हाथ पकड़ा, बोला बेटा ये क्या है इधर, वो रकम वहां से निकली, उसको क्या बोलते हैं। तो देर वॉज समथिंग जो उनके अंदर था, पिताजी के अंदर, माताजी के अंदर, और ये सब उन्होंने ले आए। फिर आइए परिवार के ऊपर, जो जॉइंट फैमिली है, जैसे अशोक शाह ने कहा अंग्रेजी में हम कहते हैं एवरीथिंग बिलोंग्स टू एवरीवन, नथिंग बिलोंग्स टू एनीवन। मैंने तो बहुत कंसल्टेंट से मिला हूं, सबसे मिला हूं, जिस ढंग से हम लोग की फैमिली में परिवार साथ में रहते हैं, ये एक अजब किस्म की चीज है। मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि ये कितने जनरेशन में चलेगा ऐसे। अभी फोर्थ जनरेशन आ गई है, फिफ्थ जनरेशन पैदा हो रही है, और हर एक जो इंसान है उसके डीएनए में कुछ तो फर्क है, क्योंकि उसकी माँ तो दूसरी जगह से आती है। तो जो बड़ा है उसका काम है सेक्रीफाइस करना, उसका काम है कैसे अपने आप को वो संभाल के रखे, और हो सकता है एक मेंबर दो मेंबर उसको मंगता हुआ ये क्या बकवास है, ये सब साथ में रहते हैं, सब साथ में खाते हैं, मुझे अलग जिंदगी चाहिए, मेरे को अपना अलग काम चाहिए, मेरे को ये करना है, तो आप क्या कर सकते हो। तो अपन तो ईश्वर को ही प्रार्थना करनी पड़ती है कि भाई देखो सबकी बुद्धि ठीक रखो, शुद्ध बुद्धि दो, इनको समझ आए, क्योंकि इंसान इतना तो सोचता नहीं है कि नहीं मैं अपने साथ पैसा ले जाऊंगा, नहीं अपने साथ जवाहरात ले जाऊंगा, मेरे हिसाब से तो अगर ले जाएगा तो एक ही चीज ले जाएगा, वो है खुशनामी। और खुशनामी कहां से आती है, जब इंसान वाकई ऐसे काम करता है कि जिसमें दूसरों का भला हो। इसीलिए कहा गया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहां कल क्या हो किसने जाना। मेरे को ये पुराने लिरिक्स बहुत अच्छे लगते थे। फिर एक दूसरा भी था, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का,
रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। तो भाइयों मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़े प्रेम मोहब्बत से चलो आपस में, और एक चीज और भी बता दूं, अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छी रिलेशंस हैं, अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो धन दौलत तो आपके पास आ ही जाएगी। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, पर चरित्र और मर्यादा को एकदम ठीक रखो। क्यों? पिताजी ने हमको एक चीज सिखाई कि जब पैसा जाता है कुछ नहीं गया, तबीयत खराब होती है तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब गया। इसी तरह मैं आपसे एक चीज बताऊंगा कि हम लोगों की जो रेपुटेशन ईरान में होती थी, जो यहूदियों का कार्टेल था, यहूदी सबसे तकड़े हैं बिजनेस में, वो तो सबको बोलते थे यार ये तो हिंदी है, हिंदुस्तान से आया है, आप लोगों के एडवांस पैसा भी लेके चले जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन था सर जो ईरान गया 1918-19 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, सब लोगों ने फोर्स मेजर डिक्लेयर किया। पिताजी ने कहा नहीं, मैंने टेक्सटाइल मिल से जो कमिटमेंट किए, वर्ड इज अ बॉन्ड। तो वो लोग तीन भाई थे, एक को कराची भेजा, एक को अफगानिस्तान भेजा। खुद उन्होंने क्या किया, वुडन बार्जेस पे अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में करके गए बंदराबास साउथ ऑफ ईरान, जहां पर नहीं कोई हिंदुस्तान को जानता था, नहीं हिंदी कोई समझता था, और पिताजी एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे। वहां पर क्या मिलता था उनको, गोश्त, मच्छी, और फकत पिताजी अपने साथ कुकुर ले गए थे, सवेरे खुद ही चावल, दाल और आलू की सब्जी कभी मिल जाती थी या बैंगन मिलता था, टमाटर कभी कभी मिलते थे, बाकी वहां सर कुछ सब्जी मिलती नहीं थी। फाइनली जिस ढंग से उन्होंने वहां जिंदगी काटी और तरक्की पाई, एक ये बड़ी चीज है, किताबें ऊपर किताबें लिखते जाऊं तो वो भी कम है। तो मुझे ये पता है, मेरे दूसरे भाई भी हैं, उनको भी बात करनी है, वो भी अपना तजुर्बा आपको बताएंगे, पर एक चीज का आप जरूर ख्याल रखिए कि किसकी भी निंदा नहीं करिए, किसकी बुराई नहीं करिए। इसी पे मेरे को याद आता है एक और गीत, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, फिर क्या कहता है, जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम,
नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। देखिए ये बहुत पुराना गीत है, हमारी फिल्म थी दो आंखें बारात भी, तो उस टाइम से लेकर इसका जो एक एक वर्ड है मैं कोशिश करता हूं उसकी पैरवी करने के लिए। तो मेरी आप लोगों से भी विनती यही है, नहीं किसे बैर करो, नहीं किसे दुश्मनी करो, प्रेम मोहब्बत से चलो, प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। लाइफ विदाउट लव इज डेथ। तो भाइयों प्लीज, आज का ये जो अशोक शाह जी ने और फिलिप शाह जी ने जो सारा प्रबंध किया है, बंदोबस्त किया है, उनकी कदर करो और देखो कि कैसे सबकी भलाई कर सकते हो। जितनी भलाई करते जाओगे उतना ही आप लोगों का फायदा भी होगा और सबसे ज्यादा मन में खुशी मिलेगी। बाकी आए धंधे के ऊपर, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर आप हमें नहीं पाओगे। कम से कम 100 कंट्रीज में हम लोगों की पहुंच है और 48 कंट्रीज में हमारे दफ्तर हैं। पर पिताजी ने एक कहा था कि जहां भी नए देश में जाते हो वहां कैसे उनका कल्चर अडॉप्ट करो। आप जाकर दादागिरी नहीं मारो, हाँ, पर अपने जो प्रिंसिपल्स हैं कि हमको वेजिटेरियन रहना है, हम लोगों को अपनी उसूलों पे रहना है। उस जमाने में जब इस्लाम कबूल नहीं करता था, पिताजी ने 1919 में बदर अब्बास में मंदिर रखा, अभी भी सर वो मंदिर है वहां पे। फिर सरदार लोग बहुत थे तेहरान में, उनको गुरुद्वारा बनाना था, तो इस्लामी लोग तो अलाउ नहीं करते हैं सर गुरुद्वारा रखना, रिलीजन का कोई भी रखना। उस जमाने में भी जो उनका सिक्योरिटी का हेड था बोला कि अगर जीपी हिंदुजा चेयरमैन है तो हम मंदिर बनाने देंगे। आज भी रिवॉल्यूशन के बाद जो मुल्ला लोग भी आए हैं वो गुरुद्वारा वहां है और गुरुद्वारे में अभी तक मैं ट्रस्टी हूं। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, यू हैव टू डेवलप स्ट्रेंथ इन देम सो डेट दे ट्रस्ट यू। मेहरबानी करके पैसे के पीछे नहीं जाओ, मेहरबानी करके इसके लिए ऊपर नहीं जाओ कि मेरी इज्जत कैसे बढ़े। इज्जत तो सर खुद ही बढ़ती है, काम अच्छे करोगे इज्जत बढ़ेगी। इसी तरह जब हम लंदन गए 40 साल पहले रिवॉल्यूशन के बाद, सर उधर दिवाली कौन मानता था, होली कौन मानता था। वी वर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिवाली सेलिब्रेशंस। आज दिवाली ट्रेडिशन के हिसाब से देखो कहां कहां क्या क्या हुआ है। प्राइम मिनिस्टर के घर में, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में होता है, हर जगह पर इंग्लैंड में ऑल ओवर दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। उतना ही नहीं, आप ये देखिए कि हमारे इंडियन ट्रेडिशंस को अंग्रेज लोग इज्जत देते हैं, जिन्होंने हमको इतने सालों अपना स्लेव बना के रखा था। आज फखर की बात है कि हिंदुस्तानी कहां भी जो बाहर जाते हैं उनकी इज्जत ज्यादा है। तो ये सब क्यों होती है, अगर आप अपने प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, कल्चर को संभाल के रखोगे। नहीं तो मुझे याद है जब ईरान हम गए, कुछ गुजराती लोग भी आए थे, तो गुजराती लोग बोलते थे यार गोपी, अगर मैं किसी ऑफिशियल पार्टी में जाता हूँ और उस ऑफिशियल पार्टी में मैं उनको बोलूँ मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ये वेजिटेरियन चाहिए, तो क्या होगा। तो मेरे को तो शर्म आती है, बोलता है मैं तो वैसे बोल नहीं सकूंगा और उनको बुरा लगेगा। अब ये क्या है, ये सोच की फर्क है। ये मुझे याद है शाह ऑफ ईरान ने जब डॉक्टर राधा कृष्णन को इनवाइट किया था तो मुझे भी इनवाइट किया था, मैं उस वक्त 22-23 साल का हूंगा। तो वेजिटेरियन खाना हमारे घर से गया,
क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो वेजिटेरियन थे, और एक टेबल के ऊपर शाह भी वेजिटेरियन बन गया, वो भी वेजिटेरियन बन गया। जब फिर मोरारजी भाई आए तो उधर फिर प्रॉब्लम था। तो जहां भी 3 दिन वो थे, खाना खाने जाते थे एज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त थे, तो सर खाना हमारे यहां से ही जाता था। और हमने आज तक अपने पूरे उसूल, ट्रेडिशंस, कल्चर सब रखे हैं और उस मानता से चलते हैं और पिता माता के ब्लेसिंग से चल रहे हैं, उसके कारण ही सर हम लोग जी रहे हैं। बाकी हमारे पास और कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरी रकम किधर है पैसे, मेरे को तो कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी मेरे को 200 पाउंड हफ्ते का देती है खर्चने के लिए, वो भी मैं यार दोस्तों के साथ जब वॉकिंग करने जाता हूँ वो कॉफी पिला देता हूँ उनको रोज की। बाकी मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है। अगर अशोक शाह या आप लोग ये सोचते हो कि आज हम एक धनवान आदमी की बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे पास सर कोई वेल्थ नहीं है। मेरी वेल्थ एक है कि जो मेरे से हो सकेगा किसी की भी मदद वो करने में मेरी, मेरे को खुशी भी मिलती है और मैं खुश भी होता हूँ। इसीलिए मेरे पिताजी ने एक चीज कही थी, हेल्थ एंड एजुकेशन इज द फर्स्ट राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। उस वक्त अस्पताल भी बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, आप जहां जाओगे कुछ ना कुछ। आज भी COVID-19 में आप देखेंगे सब लोगों ने चेक देना किया कि उनका नाम आएगा उधर। पिताजी बोलते थे जो करना है गुप्त करो। आज 17 स्टेट में हम जो कुछ कर रहे हैं मैं तो उसका बयान नहीं कर सकता हूं, पर दिल खोल के कर रहा हूं और सब भाई लोग साथ देते हैं सब अच्छे काम करने में। तो सर अगर आप इजाजत दें तो मैं धन्यवाद बोलूं। और मेरा भाई प्रकाश कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। प्रकाश है तो चलो, थैंक यू वेरी मच जी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया है। एंड यू हैव हर्ड माय भाई साहब ने बताया अभी, अपना गोपीचंद जी ने और अशोक शाह जी ने बहुत बढ़िया प्लान किया था। मैं लास्ट टाइम आपके प्लेटफॉर्म में आया था जब मैं वर्ली में था, तो जहां पे अनूप जलोटा को आपने अवार्ड दिया था शायद। तो मैं आपके अपने विचार ये कहूंगा कि जिंदगी में जो ये चीजें मेरे भाई साहब ने कही हैं उसके सिवाय इसके कंटिन्यूटी में एक बात कहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि तजुर्बा, संबंध जोड़ना, लिंकअप करना, नेटवर्किंग करना, सबसे दोस्ती करना बहुत बड़ी जिंदगी का एक उसूल और ये वैल्यू है। उससे बढ़िया कोई चीज आपको नहीं मिल पाएगी। कभी इंसान किसके कब काम आता है और कब ये जिंदगी में इंसान इंसान के काम आता है, वो सिर्फ रिश्ते नातों से ही आदमी वो जोड़ सकता है। तो इसीलिए जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ नए नए कॉन्टेक्ट्स, मैं भाइयों में से एक हूँ जो मैं ग्लोबल ब्रदर हूँ। मैं सारी वर्ल्ड में जब मैं ट्रेवल करता हूँ तो मेरे कॉन्टेक्ट्स जो वर्ल्ड में हैं वो सब बिकॉज ऑफ द गॉड्स ब्लेसिंग्स ये मेरे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, और वही कॉन्टेक्ट मैं अपने सब आदमियों से शेयर करता हूँ और अपने फैमिली से शेयर करता हूँ जैसे, और दोस्तों से शेयर करता हूँ जैसे सबको बेनिफिट हो। मेरा सेवा का अंग मेरे भगवान ने मुझको दिया है, जो मेरे फादर और मदर जो सेवा करते थे उसमें से मैं एक पार्ट हूँ उनका, और इसीलिए जितना हो सकता है कि मैं सबकी सेवा करता हूँ। और उसमें एक मेरे को किसी ने कहा था, सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड। तो इसीलिए जिंदगी में जितना हो सके भगवान का नाम और उनका प्रेयर्स नियम के हिसाब से आपको करना चाहिए, और जब सुबह और जब शाम सनराइज और सनसेट होती है तो यू शुड मेक इट अ अपॉइंटमेंट विद गॉड, और जब आपकी अपॉइंटमेंट गॉड के साथ होगी तो आप, ही विल टेक केयर ऑफ यू इन ऑल योर प्रॉब्लम्स। और आज भी ये जो कोविड का टाइम है, मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोग जब पूजा नहीं करते थे, आज वो घर में हैं तो घर में बैठ के भगवान का नाम इतना उन्होंने लिया है जो आज तक कभी नहीं लिया करते थे। और प्लस मैं आपको ये भी कहूँगा कि
जितना हो सके न्यू जेनरेशन को संस्कार देना और उनको वैल्यूज और एथिक्स का नॉलेज देना, वो माता पिता का काम होता है। और ये आप अभी दे सकते हैं जब आप घर में बैठे हैं और उनसे टाइम समय बिता सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि जितने भी हमारी कच्छी फैमिली है और सिंधी फैमिली है, वो आपस में एक ही टाइप की वो सिंधी भाषा जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम सिंधी में हमारी भाषा हो रही है। आपने देखा होगा कि नेशनल एंथम में भी ये मेंशन किया हुआ है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, सिंध और गुजरात आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और इस एंगल के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, जो हमारे वेदों में भी जो लिखा हुआ है कि जितना हो सके साधना मेडिटेशन और प्लस कर्तव्य अपना करते चलो और संसार में सबको सुख दो और प्लस अपने वैल्यूज को कंटिन्यू करते चलो फ्रॉम वन जेनरेशन टू द अदर जेनरेशन। और न्यू जेनरेशन के लिए आपको मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आप समझते होंगे कि आपके बच्चे गए अमेरिका से पढ़ के आ गए, लंदन से पढ़ के आ गए, सबसे पढ़ के आ गए, मगर जो इंट्यूशन पावर जो बुजुर्गों में है वो आजकल के बच्चों को वो इंट्यूशन पावर आना इतना आसान नहीं हो सकता है अनलेस दे फॉलो द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ देयर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स। सो द न्यू जनरेशन शुड लर्न दैट वी हैव टू लर्न समथिंग from their parents and from their grandparents who have got more experience in the life of entrepreneurship, because the new generation do not have the technique of entrepreneurship. This entrepreneurship can be accomplished and achieved when they are, jab wo seekh sakte hain buzurgon se unke tajurba aur ye experience. To main abhi Ashok ji ko apna kahunga, wo aapko apne vichar aapko kahenge, aur sab bhaiyo behno ko main apna sadar pranam karta hu और उनको उनके हेल्थ के लिए प्रभु को प्रार्थना करूंगा कि सबको सुख देवे। और दुख और सुख तो संसार के दोनों चीजें हैं, वो तो आती रहेंगी और ये भी गुजर जाएगा आगे चल के। थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो मां सिंधी में गालाईंदुम, कच्छी में भी गालाईंदुम, छो तो सजो प्रोग्राम कच्छी है जो है, तो असा पाण में गालायूं छो ना कच्छी। तो जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण। देखिए अभी आपने ज्ञान की बातें सुन ली, दोनों भाई साहबों से ज्ञान ही ज्ञान मिला। पर हम कलयुग में हैं तो धंधा तो पहला समझना चाहिए, जब तक कैसे पैसे बनाएं। तो आज एंटरप्रेन्योर यूथ एजुकेटेड एवरीबॉडी वांट्स टू नो हाउ टू मेक मनी, दैट इज द की फैक्टर। और हमारे सारे परिवार में हम बिजनेस करते हैं गीता के फॉलोइंग से, और परिवार चलता है रामायण के हिसाब से, जिसमें रामायण में प्यार मोहब्बत मर्यादा सब है, और गीता में कृष्ण ने क्या कहा है, अपने चतुर्थाई से आपको धंधा भी करना है, आपको सब चीजों को संभालना है, पॉलिटिक्स वालों को भी संभालना है, उनका भय है वो भी संभालना है, तो सब चीज को आपको एंगल से रखना है। तो दिस इज अवर मॉडल ऑफ फैमिली लाइफ ऑफ बिजनेस एंड दिस। अभी देखिए कंटिन्यूटी टू दिस, आप कोविड पीरियड में हर परिवार में 2.5-3 महीना हो गया है कि घर में बैठे हुए हैं, आपने किसने ये सोचा कि हमने क्या पाया और क्या खोया। मैं तो अपना एक्सपीरियंस दूंगा, मैंने तो पाया ही पाया है। क्यों, अगर मैं अपना बैलेंस शीट बनाता हूं तो मैं देखता हूं खोया मैंने 10-20% है और पाया 75-80% है। मेरे भाई साहब गोपी जी एंड माय भाभी सुनीता जी, हम बरस में 4-5 बार मिलते हैं, 15 दिन 20 दिन सब मिला के 2-2.5 महीने हो जाते हैं ब्रेकअप फॉर्म में। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट वी हैव स्पेंट रफली 3 मंथ्स टुगेदर, और मेरे को सेवा का मौका मिला, मेरे को ज्ञान का मौका मिला, ये मेरे को कहां मिलता, कहां भी नहीं मिलता। So this is the maximum what I have gained. Now question comes, how do we go to the economic benefit? मैं एक अशोक जी को सलाह दूंगा और उसके लिए जो भी हेल्प मदद चाहिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि 94 में इंडसइंड बैंक का कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, हम सिंधियों को कैसे इकट्ठे किए,
और कैसा प्लेटफॉर्म डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास लेके गए और कैसे वो चीज उनको पसंद आई और आज इंडसइंड बैंक 25 बरस हो गई, वो कैसे फॉर्म हुई, एस्टेब्लिश हुई। सिमिलरली कच्छी कम्युनिटी इज ऑल्सो लाइक सिंधीज, आप यू हैव अ ब्रेन ऑफ गुजरातीज एंड यू हैव अ ब्रेन ऑफ सिंधी, यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यू आर सुपर, कच्छीज आर सुपर। सो इसके लिए आप एक बैंक बनाइए जिसमें नॉट ओनली फॉर द कम्युनिटी बट फॉर द ग्लोबल, और उसके लिए जो भी हेल्प मदद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं और उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार हूं, और एक ये आपको इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें आप इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री को दे सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा ज्ञान बताऊंगा, जब ईरान में भाई साहब ने बताया आपको कि इस्टेब्लिश हुए थे, तो एक बार वहां अकाल आया था, अनियन पोटैटो का क्रॉप खराब हो गया था, उस वक्त वहां से मैसेज आया कि भाई हमको इतने लाख टन अनियन और पोटैटोस चाहिए, और उन्होंने ईरान गवर्नमेंट में शाह ने सब जगह पे ढूंढा, कहां भी उनको कांदा प्याज आलू नहीं मिला था। तो फिर मैसेज इधर आया, भाई हमको कांदा आलू चाहिए। हमने कहा भाई हमने तो कभी कांदा आलू का धंधा किया नहीं, चलो उसकी स्टडी कर ली, मार्केट देखा, यहाँ एक्सेस क्रॉप था, तो यहाँ से हमने बोला जरूर भेजेंगे प्याज और कांदा और आलू सब भेजेंगे, यहाँ से पेरिशेबल आइटम्स हैं, भेजेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ शिप जब जाती है कंजेशन थी वहाँ ईरानियन पोर्ट में, 90 डेज, 3 महीने का कंजेशन था। तो गोपी जी ने वहां से शाह ऑफ ईरान को बोल के, प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को बोल के पाकिस्तान में रोड ट्रांसपोर्ट चालू करवा दिया, फर्स्ट टाइम कभी हिस्ट्री में नहीं था। और आज भी वो अखबारों में आ गया कि ओहो इन्होंने तो बहुत पैसे बना लिए। फिर जब तक लोड हो गया तो प्रॉब्लम आ गया कि भाई ये फॉरेन की ट्रकें जो इंडिया के अंदर आती हैं हम अलाउ नहीं करेंगे, अगर अलाउ नहीं करेंगे तो प्याज और आलू सब पेरिशेबल है। तो ऐसी सब दिक्कतें आईं, वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गए और चैलेंज भी लिया, और वो प्याज और आलू 8 दिन के अंदर उनको मार्केट में भी मिल गया। सो एनीथिंग विच इज फॉर चैलेंज, वी ब्रदर्स लाइक टू टेक इट एज अ चैलेंज एंड वी लाइक एंड लव टू डू इट। एक वक्त ऐसा आया कि आप स्वामीनारायण सब कच्छी मानते हैं, प्रमुख स्वामी जी ने मंगाया था सबको, 50 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन थी इधर अपना गांधी धाम में, गांधीनगर में। सो उधर हम जब गए तो देखा 2-4 लाख लोग हैं, मेरे को उन्होंने काफी इज्जत दी। मैंने महाराज जी को कहा स्वामी जी आप तो मेरे से सेवा करवाइए, आप क्यों मेरे को इतनी इज्जत देते हैं, अपने साथ ऊपर प्लेटफॉर्म में बिठवाते हैं। तो मुझे उन्होंने क्या कहा, बोला अशोक एक बात आपको बताता हूं, मैं आपकी इज्जत नहीं करता हूं क्योंकि आप लक्ष्मी पुत्र हैं, मैं लक्ष्मी जी की पूजा करता हूं, लक्ष्मी जी की इज्जत करता हूं, अगर मैं आपकी इज्जत नहीं करूं तो यानी मैं लक्ष्मी का निधार करता हूं, तो इसके लिए भगवान ने आपको लक्ष्मी पुत्र बनाया है तो मुझे आपकी इज्जत करने का वो मेरा राइट है। और गोपी जी आपको बताएंगे कि स्वामीनारायण टेंपल वहां लंदन में क्या हुआ एग्जैक्टली, बताइए। देखिए जब उन्होंने स्वामीनारायण टेंपल वहां शुरू किया तो कितने लोगों को, स्टूडेंट्स को जाकर वो टीम के डब्बे बेचते थे पैसे इकट्ठे करके मंदिर के लिए, तो सर उनको पूरा सपोर्ट नहीं फकत फंडिंग का दिया। हर एक प्रधानमंत्री जो आया इंग्लैंड का उधर मैं उनको ले गया कि आशीर्वाद लो तो आपकी तरक्की होगी। ऑपोजिशन लीडर था उसको भी ले गया, टोनी ब्लेयर, जॉन मेजर, जिसका भी आप नाम लें, इतना ही नहीं जो बेस्ट सिंगर था अपने हॉलीवुड का माइकल जैक्सन उसको ले गया, प्रिंसेस डायना को ले गया। तो जहां भी
उतना ही नहीं, हरे कृष्णा जो टेम्पल है वो सरकार बंद करना चाहती थी, क्योंकि विलेजर्स को नहीं मांगता था कि यहाँ आवाज हो दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, विलेजर्स पीस में रहना चाहते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जॉन मेजर के पास गया, मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, हम इतने इधर हिंदुस्तानी रह रहे हैं, तुम अगर ये मंदिर बंद करोगे तो ये सब आप लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। तो बोला अच्छा एक काम करो, होम सेक्रेटरी को फोन किया कि इनसे मिलो, उसने कहा भाई देखो पीछे से, आगे से रास्ते सारे बंद करो, पीछे से हम सारी जमीन देते हैं। तो मंदिर वालों ने कहा कि हमारे पास तो रास्ता नहीं है। तो मेरे बड़े भाई और मैं मिलकर वो पूरा एक मार्ग बनाया जिसका नाम ही हम लोग ने रखा है धर्म मार्ग। तो सर आज अगर आप देखेंगे वो मंदिर दिवाली के टाइम पर 2-2.5 लाख आदमी वहां आते हैं, और होली हो कोई भी सेलिब्रेशन हो हिंदुस्तान का झंडा हम ऊपर लगाना ही चाहते हैं। आज आप देखेंगे अपने कैबिनेट में बोरिस जॉनसन के इम्पोर्टेंट रोल, चांसलर फाइनेंस मिनिस्टर का इंडियन के पास है, होम सेक्रेटरी इंडियन है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें जो मिनिस्टर इंचार्ज है इंडिया और एशिया का वो इंडियन है। तो हिंदुस्तानियों ने नाम कमाया, काफी कच्ची लोग भी वहां रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान कर सब सकता है, नियत ठीक रखो, काम ठीक करो, मालिक ऊपर से सब कर देता है। यस सर, थैंक यू। मैं बस एक वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरी जो थोड़ी बात हुई गोपीचंद जी से कार्यक्रम के पहले, आई वुड से कि इतना अच्छा अनुभव मेरा बहुत कम हुआ है किसी के साथ, जब इतने बड़े आदमी ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया। और मैंने देखा कि भाई वो प्रिंसिपल्स सिर्फ बोलते नहीं है बट उनको फॉलो भी करते हैं, और यही एक उनकी उनका बड़प्पन है। सो आई सॉ दैट ही हैड अ लॉट ऑफ विट, लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स विच ही फॉलोड। सो आई वुड लाइक टू थैंक आज के तीनों स्पीकर्स, गोपीचंद जी हिंदुजा जो आज हमें एक पेट्रियार्क की तरह उन्होंने हमें सब समझाया कि हमें अपना बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना चाहिए, प्रकाश जी हिंदुजा जिन्होंने हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया, और अशोक जी हिंदुजा जिन्होंने हमें बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बताई। एक स्पेशल थैंक्स अनूप जलोटा जी को जो हमारे लिए आज बहुत ही एक अच्छा सरप्राइज पैकेज थे। थैंक यू टू अवर कमिटी मेंबर, हमारे पास प्रेसिडेंट श्री अशोक भाई शाह हु इनिशिएटेड दिस वेबिनार, एंड अगेन थैंक्स टू विवेक फ्रॉम बूमरैंग हु हैज कोऑर्डिनेटेड दी एफर्ट्स फॉर दिस। जिस जिसके क्वेश्चन हो प्लीज क्यू एंड ए बॉक्स में आप डालते जाइए, वी विल बी टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस क्योंकि समय कम है। एक क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ कि अभी काफी ऐसे बिजनेसेस हैं जो हमारे इधर एसएमई और एमएसएमई बिजनेस हैं और जिनको बहुत बुरी तरह से कोविड ने असर किया है, कोई ऐसे बिजनेस है जिसको थोड़ा कम असर हुआ है और किसी को बहुत ज्यादा असर हुआ है, तो उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जहां तक हमारी जानकारी है सरकार ने एमएसएमईज के लिए काफी सहूलतें की हुई हैं और उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि जून के बाद काम चलेगा और अभी जितनी बैंकें भी हैं उनको कर रही हैं। और मैं एक चीज कहूंगा कि सारी कैबिनेट में जो प्रैक्टिकल मंत्री है वो है आपके नितिन गडकरी, और वो ध्यान लगाकर इन चीजों के ऊपर करता है। और जितनी भी सरकार की बैंकें हैं उनको दस्तूर गए हैं कि एमएसएमई का पूरी मदद करो,
किसको भी बंद नहीं होने दो। तो सर मेरा पूरा विश्वास है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं सुलझा सके, लेकिन वी विल डू अवर बेस्ट व्हाट वी कैन। ऐसे अभी जो टर्बुलेंट टाइम्स है उसमें आप सजेस्ट करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए कि हमारे कोर बिजनेस पे फोकस करना चाहिए? देखिए सर, पिताजी तो हमेशा हमारे एक ही कहते थे कि कभी भी एक धंधे में नहीं रहो, हमेशा डाइवर्सिफाइड रहो। अभी देखिए, अगर हम एक धंधे में होते, सपोज खाली अशोक लेलैंड में होते, तो सर ढाई महीना से 3 महीने से सब बंद पड़ा हुआ है। पर ये तो हमने किया नहीं कि एम्प्लॉइज को बोले कि हम सैलरीज नहीं देंगे या आधी कर देंगे, क्योंकि परिवार का वो हिस्सा है, वो तो हम देते रहे। पर क्योंकि हमारे जो दूसरे वर्टिकल्स थे वो अच्छे काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी कंपनीज अच्छा काम कर रही थी, तो बैलेंस होता है। तो कभी भी एक धंधे में नहीं रहिए, ऑलवेज बी डिवाइडेड। तो मेरी तो सलाह आप सब लोगों के लिए एक ही होगी, एक धंधे में कभी भी नहीं रहिए, और एक देश में भी नहीं रहिए, ग्लोबल होना चाहिए। ग्लोबल नहीं हो तो 2-4 अलग अलग देशों में कुछ ना कुछ करना है, कि अगर कहा एक देश में मुसीबत है दूसरे में, तो दो दूसरी जगह कुछ निकलेगा। थैंक यू सर। हमारे यहाँ बहुत सारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है, जिसमें मोर देन 50,000 स्टार्टअप्स इंडिया में हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन इन स्टार्टअप्स के लिए, और आपका हिंदुजा ग्रुप इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं? सर, स्टार्टअप ग्रुप हैव अ ग्रेट फॉर्च्यून। हेलो, आप मेरी आवाज आ रही है? यस सर, वी कैन हियर यू सर। देखिए, मेरा बेटा भी इधर बैठा हुआ है, शोम, he is in charge for all startup companies। शोम, आओ बेटा, startup companies के लिए बताओ। अरे आ बेटा, शर्माने की क्या जरूरत है? अच्छा कोई बात नहीं। अरे शकल तो दिखाइए जरा आज गोपी चंद जी। शकल तो दिखा, मैंने भाग गया। स्टार्टअप कंपनीज में हमारी एक डिवीजन है, उस डिवीजन के थ्रू हम उनको, उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उनको फंडिंग भी देते हैं। हमने 7-8 कंपनियों में किया है और उनको सपोर्ट किया है, एंड आई थिंक द वैल्यूएशंस हैव गॉन अप इन ऑल दोस कंपनीज एक्सेप्ट फॉर वन। और स्टार्टअप में यही होता है, इट्स अ वेंचर कैपिटल। अगर आप 10 में करोगे, अगर 2 भी सक्सेस हुई, 8 फेल भी हो सकते। सर ये तो आज आप देखते हो, इन अमेरिका इन 1980s वी वर द फर्स्ट वन विद एवर स्टार्ट to go in venture capital investments, which were as good as startup companies. कोई भरोसा नहीं था कि ये जो कर रहे हैं वो सफल होगा कि नहीं होगा। अगर 5 में पैसे डालते थे तो 3 उड़ जाते थे, 2 जो बचते थे तो 2 में से 5 की रकम निकल आती। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आदमी की अगर रकम 100 रुपया है और 100 में से आपका 20-25 रुपया एक सिस्टम में, एक बिजनेस में चल रहा है, और कुछ अमाउंट को सेव करके रखना है, कुछ अमाउंट को गोल्ड और ज्वेलरी में रखना है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क तभी लो जब भी आपके पास हिम्मत हो और एक्स अमाउंट आपके पास एक्सेस हो कि भाई मैं ये 5% इस रिस्की धंधे में डाल रहा हूं, या वो 5 का 5 हो जाएगा या 5 का 0। सर हमारे यहाँ काफी बिजनेसेस ऐसे हैं जो इतने स्केल नहीं होते हैं जितना आपने स्केल अचीव किया है। आप हमारे कच्ची बिजनेसमैन को क्या एडवाइस देंगे, अगर उनको स्केल करना है तो उनको दिमाग में क्या रखना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए? अशोक जी, सर उसमें एक बात तो क्लियर है कि उनका जो टैलेंट है वो टैलेंट को इनोवेशन करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर खुद नहीं कर सकते हैं, किसके साथ लाइक माइंडेड पार्टनरशिप करनी चाहिए कि भाई आज किसके पास पैसा है और उसके पास टैलेंट है, या किसके पास पैसा नहीं है और खाली टैलेंट है, तो हाउ टू गिव अ ग्रोथ थ्रू पार्टनरशिप। तो उससे उसको एक हिम्मत मिलती है,
उसको एक न्यू इनोवेशन मिलेगी और उससे उसका एक्सपांशन का पोटेंशियल रहेगा। सर जब अभी काफी क्राइसिस हो रही है, ऐसी बात भी चल रही है कि इंडिया एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है ये जो ग्लोबल जायंट्स के लिए, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सर एक बात बताऊं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बिग पावर्स हैं, वो चीन के अगेंस्ट हुई और इंडिया के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो धंधे ले आए। बट हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री की इंटेंशन, विजन और सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, पर जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो बहुत स्लो है। इसके कारण जो फॉरेनर्स आते हैं वो थोड़ी देर अंदर आके फिर भाग जाते हैं। तो मेक ईज टू डू बिजनेस जो है उसको कर, अंग्रेज लोग ब्यूरोक्रेसी छोड़ गए क्योंकि हिंदुस्तानी टैलेंटेड हैं, उन्होंने उस ब्यूरोक्रेसी को परफेक्ट कर दिया है। जो खुद अंग्रेज हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मॉडिफाई कर दिया इंग्लैंड में। अब देखिए इंडोनेशिया ने कल या परसों जीत पाई है, 28 अमेरिकन कंपनीज जो चीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी वहां बंद करके इंडोनेशिया में खोल दी। तो ये सारी हिंदुस्तान में हब हो सकती है और उसके लिए हम लोग को, सरकार को फोकस होना चाहिए कि कैसे इस सिचुएशन का हम एडवांटेज लें। जब मनमोहन सिंह भी थे सेकंड टर्म में, उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, सबका ध्यान हिंदुस्तान में। जब मोदी साहब भी आए उस वक्त भी उन्होंने सारे विश्व में नाम तो कमा लिया है, और जब फॉरेन इन्वेस्टर आना चाहते हैं यहाँ पर, उनको गोल 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 घूम के वो बेचारे थक के चले जाए। तो सेंटर और स्टेट को मिलकर एक क्लियरेंस रखनी चाहिए और वो क्लियरेंस रखने से सहूलत होनी चाहिए कि भाई अगर फॉरेन इन्वेस्टर आता है उसको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट कैसे दें। जैसे हम चीन में गए, दो प्लांट डाले, आप नहीं मानेंगे, खुद वहां का स्टेट का गवर्नर रेड कार्पेट हमारे जहाज के बाहर लगाकर ले गए और सारी सहूलतें दी। तो वी हैव टू रियली वर्क हार्ड टू मेक ईज टू डू बिजनेस और इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट करें, क्योंकि हिंदुस्तान में टैलेंट है and cost of goods also can become very cheap. आप देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं, आप देखोगे उनके सीईओ हिंदुस्तानी। राइट सर, सच में तो जब भी आपकी बातें सुनी तो मुझे तो सिर्फ बरजातीय फिल्म्स की याद आती है कि भाई जिस तरह से उन लोग मिल बांट के रहते हैं। अभी यहाँ पे भी काफी हमारे फैमिली बिजनेसेस हैं और शायद उनको भी ऐसा लगता है कि यूनिटी में रह के उनको बेटर ग्रोथ मिल सकता है। कोई उनके लिए टिप्स हैं आपके आपके पास जो आप मेंशन करना चाहेंगे? सर गोपीचंद जी, आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है? परिवार, या भी भाई परिवार साथ में रहने का यूनिटी बिजनेस कैसे करें? देखिए ये तभी हो सकता है जब उनको एक समझ आ जाए कि हम अपने साथ नहीं धन ले जाएंगे, नहीं दौलत ले जाएंगे, नहीं जवाहरात। उनको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो पहला धर्म है कि परिवार साथ में रहे। जो परिवार साथ में होगा, जो उससे सुख है वो और खुशी मिलती है, पर वो कहां भी नहीं मिलेगी। परिवार के बाद आती है दोस्त और रिलेशनशिप, उनको साथ में रखना है। अब ये जो असली सभ्यता है ये तो हिंदुस्तान के कल्चर में है। अनफॉर्चुनेटली जब हमारे बच्चे बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ने चले जाते हैं, इधर क्या होता है, जैसे ही लड़के की शादी हुई वो बोलेगा मेरे को अलग अपार्टमेंट चाहिए। तो बड़ों के ऊपर है, इसको कैसे संभाला जाए? और हम अपने कल्चर को बदली नहीं करना चाहिए। हम लोगों का जो कल्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग कल्चर है और हमारे जो वेद हैं, हमारे जो
शास्त्र हैं उनमें से इतना कुछ है पर कॉम्प्लेक्स है, तो मेक ईज टू डू बिजनेस ही नहीं है, मेक ईज टू रीड देम। अब मैंने एक पुस्तक लिखी हुई है भाइयों ने मिलकर, ऑल रिलीजन्स एंड इन वन कंक्लूजन, दिखाया है हु एम आई, नेक्स्ट मंथ नहीं तक पब्लिश हो जाएगी सर, आपको मैं भिजवा दूंगा, आप देखोगे कि कितनी आसानी से उसमें सब कुछ आ जाता है। ओके सर, एक क्वेश्चन प्रकाश जी के लिए पूछ रहे हैं सिर्फ, अभी अभी जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया है कोविड के लिए, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या ये रहेगा आगे जाके कम होगा क्या होगा? मेरे हिसाब से ये आगे जाके और भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन का प्रोग्राम अमेरिका में इतना बढ़ गया है और ऑनलाइन के ऊपर भी लोग उनको तनख्वाहें दे रहे हैं जो तनख्वाह उनको दफ्तर में मिल रही थी, और ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स जिनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं उनको ऑनलाइन घर में बैठ के भी वो काम कर सकेंगे, और इसके ऊपर पूरा उन्होंने रिसर्च किया हुआ है अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है वो कहते हैं वो ख़त्म नहीं होगा, ये तो आगे चल के सितंबर अक्टूबर में फिर वापस आने वाला है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब तक वैक्सीन आ जाए तो दे आर गोइंग टू क्रिएट ऑनलाइन इंडस्ट्री फॉर एजुकेशन। अब मेरी ग्रैंड डॉटर्स हैं क्लाउन ब्राउन और कोलंबिया से आई हैं, घर में बैठ के वो काम कर रही हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए एंड दे आर बीइंग पेड ओवर देयर। सो इन द सिमिलर मैनर ऑनलाइन चलता रहेगा एंड इट विल ग्रो इन अ बिग वे, दिस विल बी अ बिग इंडस्ट्री फॉर एवरीबॉडी। हाउसवाइव्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी पेड, दे विल ऑल्सो स्टार्ट देयर वर्क इन ऑनलाइन एट होम। तो इसीलिए पुराना गाना था साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, so you have to have that principle in life. Thank you. And I would also like to thank Gopichand ji, जिनको मैंने request किया था song गाने के लिए और उन्होंने ये request मान ली। Thank you very much. एक बहुत बड़ा thank you दे रहे हैं आपको Gopichand ji, प्रकाश जी और अशोक जी हमें join करने के लिए। Thank you all the audience. हमारे दो और वेबिनार हैं, एक सैटरडे को है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है जिसमें हम लोग अभी एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस की बात कर सकते हैं। थैंक यू। तो हमें बोलना चाहिए कि आपने हमें ये मौका दिया आपके फोरम में आकर बात करने का, एंड आई विश ऑल द गुड लक फॉर ऑल द कच्छ एंड द कच्छीज, एंड आई होप दे विल स्टार्ट शाइनिंग विद द सुपर ब्रांड दे हैव। पर एकरी गाल जरूर रखजो कि पांजी कच्छी कम्युनिटी जी बोली नम छड़ छड़ छड़ियो भी रखो, प्रोग्राम भी रखो, म्यूजिक भी रखो, पार में यंगस्टर्स के गालान भी रखो, न तो आस्ते आस्ते कच्ची बोली खत्म थी रहेगी। थैंक यू सो मच। ऐसा है मणि, ये परिवार में कच्ची बोला जाती। हाँ एकदम ठीक बोले। थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक भाई। थैंक यू अशोक शाह जी। थैंक यू।